हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आपके साथ अपना एक ऑल टाइम फेवरेट हेयर मास्क शेयर करूंगी, जिसके वजह से यू विल फाइंड योर हेयर्स बी मोर बाउंसियर, नेचुरल शाइन आएगी आपके बालों में, बिल्कुल ही ड्राई नहीं लगेंगे, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम्स इट इज़ इट विल गेट सॉर्टेड बाई दिस हेयर मास्क, ट्रस्ट मी, ट्राई फॉर वंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको एक शिफॉन का कपड़ा लेना है. अब शिफॉन इसलिए क्योंकि उसमें से चीज़ें काफ़ी ईजीली और पल्पी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से पास थ्रू हो जाती है, बस इसीलिए. टेक अ शिफॉन क्लॉथ और उसमें बनाना जो है, आप पहले उस बनाना को अच्छे से मैश कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना मैश किए उसको बस स्क्वीज आउट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा. सो वंस इट इज़ मैश्ड, फिर आप उसको स्क्वीज कर लीजिए ताकि सिर्फ पल्प जो है वो बचे. अब बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके बालों को एक बाउंसियर लुक देगा. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो काफ़ी अच्छा बाउंस विदाउट एनी प्रोडक्ट, एनी अदर केमिकल थिंग, ये काफ़ी अच्छा आपको बाउंस दे सकता है. तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये चीज़ हम स्ट्रेन नहीं करते तो ये सब चीज़ बालों में अटक जाती और बहुत मुश्किल हो जाती है इसे बालों से निकालते निकालते. अब हमें इसमें मिक्स करना है एक अंडा. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नो प्रॉब्लम, आप उसकी जगह पे एलोवेरा जेल यूज़ कर लीजिए. हमें पूरा अंडा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. देन ऐड 2 tablespoons ऑफ हनी. And now comes the magic ingredient, which is rosehip seed oil. ये जितना ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा बालों के लिए भी अच्छा है. ये आपके बालों को एक शाइन देता है, सिल्कीनेस देता है, डैंड्रफ भी इससे काफ़ी हद तक सॉल्व होती है. इन केस अगर आपके पास ये नहीं है, आप एक विटामिन ई की कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं. एंड नाउ जस्ट मिक्स इट वेल. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी है जो कि होनी चाहिए, मैं इसे एक बॉटल में पास ऑन कर रही हूँ ताकि लगाने में आसानी हो. एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्लाई इट. आपके बालों में काफ़ी अच्छे आपको सेक्शंस करने हैं और रूट से इसे लगाना शुरू करना है. यस, अब बॉटल से डाल रहे हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा यू नो बेनिफिट होता है, वरना हाथों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रूट्स पे लगाना. और फिर बस इसी तरह से आपको आपके लेंथ पे भी इसे अप्लाई कर लेना है, पूरे बालों पे. एंड देन कम से कम आपको इसे 1 घंटा ऐसे ही रहने देना है और फिर आप आराम से अपने बाल धो सकते हैं. पर 2 टाइम से ज़्यादा शैम्पू मत करना कभी भी. आप कोई भी मास्क लगाओ, कुछ भी लगाओ, 2 टाइम से ज़्यादा शैम्पू हमें कभी नहीं करना. And yes, there you are with your beautiful hairs. मेरा next video भी इसी चीज से related है, आप please वो भी देखिएगा, उसमें मैंने कुछ अपने secrets बताए हैं. I hope you find this helpful and do let me know how this was. Like, comment, share and subscribe. Bye bye.